गाइस साउथ सिनेमा के जाने माने कलाकार दुनिया विजय स्टारर फिल्म भीमा को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 27 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 27वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 28वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आपको बता दें फिल्म भीमा एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। आपको दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें दुनिया विजय, ड्रैगन, मंजू, कल्याणी, राजू, कॉकरोच, सुधी, अच्युत कुमार और रंग्याना रघु जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन दुनिया विजय ने ही किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3,95,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 16 करोड़, दूसरे हफ्ते में 4,30,00,000, तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 2,95,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 24वें दिन 28,00,000, 25वें दिन 11,00,000, 26वें दिन 8,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 27वें दिन यानी बुधवार को 6,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म भीमा का टोटल 27 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 23,32,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म भीमा ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 28,90,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 28वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 28वें दिन यानी बृहस्पतिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से मात्र 4,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। उसके हिसाब को साउथ सिनेमा के जाने माने कलाकार दुनिया विजय स्टार फिल्म भीमा को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।